दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति अमेरिका पर बड़ा साइबर अटैक हुआ है। ये साइबर हमला अमेरिका की तेल पाइपलाइन ऑपरेटर कॉलोनियल पर किया गया है। इस हमले के बाद से ही कॉलोनियल की पाइपलाइन बंद पड़ी है। कॉलोनियल के मुताबिक ये रैनसमवेयर हमला मलेशियस सॉफ्टवेयर के जरिए किया गया है। रैनसम एक तरह का मालवेयर है जो डाटा इनक्रिप्ट करके सिस्टम को लॉक करता है। हैकर्स ने कंपनी के 100 GB डेटा पर कब्जा कर लिया है। हैकर्स ने कंपनी से फिरौती की मांग की है। फिरौती की रकम न देने पर डेटा को इंटरनेट पर लीक करने की धमकी दी है। हालांकि अभी तक कॉलोनियल की ओर से फिरौती की मांग की पुष्टि नहीं की गई। हमले के बाद से अमेरिका में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। कॉलोनियल तेल पाइपलाइन अमेरिका के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अमेरिका के पूर्वी और उत्तरी हिस्से में 45% तेल की सप्लाई कॉलोनियल पाइपलाइन से होती है। इस रूट से रोजाना 25 लाख बैरल पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल की सप्लाई होती है। फिलहाल इस रूट पर सप्लाई पूरी तरह से ठप है। इस पाइपलाइन का नेटवर्क 8,850 किलोमीटर तक फैला है। पाइपलाइन नेटवर्क बंद होने से कीमतें बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। इसका कारण यह है कि गर्मियों का सीजन शुरू होने के कारण डिमांड बढ़ने वाली है। माना जा रहा है कि सप्लाई बाधित होने से ईंधन के दाम 2-3% तक बढ़ सकते हैं। अगर जल्द ही पाइपलाइन को शुरू नहीं किया गया तो कीमतों में और इजाफा हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि साइबर हमले को अंजाम डार्क साइट नाम के साइबर अपराधी ने दिया है। इस हमले ने कॉलोनियल तेल पाइपलाइन को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। इससे पता चलता है कि इस साइबर अटैक को बेहद ही जटिल तरीके से अंजाम दिया गया है। इस साइबर अटैक की जांच के लिए कॉलोनियल ने एक निजी एजेंसी को जांच का जिम्मा सौंपा है। साथ ही अमेरिकी जांच एजेंसियां भी हमले की जांच में जुटी हैं। फिलहाल पूरा फोकस पाइपलाइन को दोबारा शुरू करने पर किया जा सकता है ताकि तेल की सप्लाई फिर से शुरू हो सके। इससे पहले भी अमेरिका में 2 बड़े साइबर अटैक पिछले कुछ महीनों में हो चुके हैं। सोलरविंड अटैक से अमेरिकी सरकार और निजी सेक्टर के हजारों कंप्यूटर को मुसीबत झेलनी पड़ी थी। इस हमले के लिए अमेरिका ने रूस को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं दूसरा साइबर अटैक माइक्रोसॉफ्ट के ईमेल सर्वर पर किया गया था। दुनिया के सबसे हाईटेक देश पर साइबर अटैक होना बताता है कि अब वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया मिलकर साइबर सिक्योरिटी के बारे में सोचे। जिस तरह से देश की सीमाओं की रक्षा के लिए आर्मी तैनात की जाती है, उसी तरह सरकारें डेटा की सुरक्षा के लिए साइबर आर्मी बनाएं ताकि भविष्य में डेटा चोरी और हैकिंग जैसी वारदातों से बचा जा सके।